प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा छुट्टियों के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें कहीं भी उर्दू प्रारंभिक विद्यालयों का चर्चा नहीं है। उर्दू प्रारंभिक विद्यालयों में देश के आज़ादी से पहले संयुक्त बिहार में और वर्तमान तक में जुमा के रोज यानी शुक्रवार के दिन साप्ताहिक छुट्टी हुआ करती थी। साप्ताहिक छुट्टी इसलिए दिया जाता था ताकि जुम्मा के रोज जो विशेष नमाज होती है उसमें जो मुस्लिम शिक्षक और छात्र हैं जो उर्दू स्कूलों में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो अपने धार्मिक कार्यों को कर सकें। लेकिन एकाएक बिना किसी से राय मशवरा किए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने अपने मनमानी तरीके से उर्दू स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी जो जुम्मा शुक्रवार को होती है उसे समाप्त करके रविवार यानी संडे को कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कहीं जो है ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है और भारत के संविधान के मूल भावना 3 और संविधान के अनुच्छेद 25(1) का उल्लंघन है। हर व्यक्ति को भारत में रहने वाले भारतीय व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यक्रमों को धार्मिक परंपराओं को करने की आज़ादी है चाहे वो शिक्षक हों चाहे छात्र हों और शिक्षकों को इसी लिहाज से इसी तरीके से जो है जुमा शुक्रवार को छुट्टी दिया जाता था। लेकिन अपने मनमानी तरीके से इन्होंने इसको किया है जिसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से महागठबंधन सरकार से ये मांग करते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि जो भाजपा सरकार में नहीं हो पाया आपने महागठबंधन सरकार में ये करके दिखाया है। ये घोर निंदनीय है इसका हम लोग काफ़ी पुरजोर मजम्मत करते हैं विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो कैलेंडर छुट्टी का जारी किया गया उसमें संशोधन करें। अगर आप संशोधन नहीं करते हैं तो पूरे झारखंड राज्य में हम लोग इसको लेकर विरोध करेंगे। मेरा नाम एस अली है मैं अध्यक्ष हूँ झारखंड छात्र संघ आमिया संगठन रांची।